वेलकम अचीवर्स, डियर अचीवर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। ये टॉपिक मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करना क्यों जरूरी है। आज मैं इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन का सेकेंड वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन है, अगर हम कमर्शियल या कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट की बात करें, वहाँ पे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो दैट इन ए कमर्शियल एंड कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इज क्रूशियल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। डियर लर्नर्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं चेक करा तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो कंटिन्यूटिव में है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो ही आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ आएगा, राइट? प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड ट्रैकिंग हेल्प टू प्लान एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर प्रोडक्ट। अगर तो प्रोजेक्ट की हम एस्टिमेशन प्रॉपर तरीके से लगा पाते हैं तो उससे हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड इट प्रोवाइड बेसलाइन सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग। ये मैनेजमेंट को हेल्प करेगा किस पर्पस के लिए, डिसीजन लेने के लिए। नाउ अगर हमने सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट करना है, उसमें थ्री टाइप्स की एक्टिविटीज होती है। कौन कौन सी है? नंबर वन, दैट इज प्लानिंग। नंबर टू, कंट्रोलिंग। नंबर थ्री, मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग। हम किस चीज को प्लान करते हैं? कॉस्ट एस्टिमेशन लगाते हैं प्लानिंग के लिए, ठीक है? मीन्स कॉस्ट को एस्टिमेट करने की सबसे पहले प्लान बनता है, फिर प्लानिंग फॉर ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर, कि जो एम्प्लॉइज इसमें काम करेंगे उनको ट्रेनिंग देनी है, उसका प्लान बनेगा। देन प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग होगी, एंड देन बजटिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का जो है वो बजट बनेगा। इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग एक्टिविटी। कंट्रोलिंग एक्टिविटी में क्या आएगा कि हम साइज मैट्रिक्स और स्केड्यूल मैट्रिक्स को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं देन इट हेल्प्स टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट स्मूथली, राइट? जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो दैट कंट्रोलिंग में क्या आता है कि साइज मैट्रिक्स एंड स्केड्यूल मैट्रिक्स हेल्प द मैनेजर कीप कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग। मैट्रिक्स आर यूज्ड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट को जो है वो मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, वहाँ पे रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है, डी एलोकेट करना पड़ता है। इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में ये थ्री टाइप्स की एक्टिविटी आएगी, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग। जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, हम क्या इनपुट करते हैं उसमें? हम यूज़र रिक्वायरमेंट्स हमें पता होने चाहिए, हमें कॉन्स्ट्रेंट्स पता होने चाहिए, हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैंडर्ड्स, उसकी पॉलिसीज का पता होना चाहिए। मीन्स अगर हमारे पास ये इनपुट है तो हम शेड्यूल बना सकते हैं। हमें पता चलेगा कि हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी एफर्ट लगानी है और इसके ऊपर कितना कॉस्ट जो है वो आएगा, राइट? सो ये इनपुट है, यूजर रिक्वायरमेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, और अगर हमें ये पता है तो हम ये आउटपुट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग द साइज। डियर लर्नर्स, कई बार इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट? कि एस्टिमेटिंग द साइज बताओ ये क्या होता है। तो
एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू मेक एन इफेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. यस, अगर आपको सॉफ्टवेयर का साइज पता है या आप उसको अच्छी तरह से एस्टिमेट कर पाते हो तो ही आप एक इफेक्टिव प्रोजेक्ट की जो है वो एस्टिमेशन लगा पाओगे. कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं या सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस होती हैं अगर ये हमें पता है, ठीक है, देन इट प्रोवाइड्स ए बेसलाइन. तो इससे जो है वो सॉफ्टवेयर के साइज का पता लग सकता है. बट अगर हम लेटर स्टेज की बात करें उसमें जो सिस्टम डिजाइन होगा मीन्स जो डॉक्यूमेंट बनेगा इट प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स फॉर एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर. तो उससे हम एडिशनल डिटेल्स पता कर सकते हैं. मैंने आपको क्या बताया इसमें कि अगर तो इनिशियली हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पता हैं तो हम एक बेसलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर. बट लेटर स्टेज में जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम का जो डिजाइन डॉक्यूमेंट है ये हेल्प करेगा हमें पता लगाने के लिए कि जो सॉफ्टवेयर है उसका क्या साइज है. एस्टिमेटिंग द साइज में दो और पॉइंट्स भी हैं. वो क्या क्या हैं? द वेज टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट साइज कैन बी थ्रू पास्ट डेटा. कई बार डेवलपर क्या करते हैं कि पास्ट प्रोजेक्ट को लेके सॉफ्टवेयर के साइज का पता करने की कोशिश करते हैं. इस एस्टिमेशन को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन बाय एनालॉजी. द अदर वे ऑफ एस्टिमेशन इज थ्रू प्रोडक्ट फीचर. और दूसरा हम कैसे पता लगा सकते हैं प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर के साइज का? प्रोडक्ट के फीचर्स से. द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब सिस्टम्स डिपेंडिंग ऑन फंक्शनैलिटी एंड साइज ऑफ ईच सब सिस्टम इज कैलकुलेटेड. सिस्टम है वो फर्दर किसमें डिवाइड होगा? सब सिस्टम्स में. फिर उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है साइज, राइट? सो दीज आर सम पॉइंट्स इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन अगर हम एस्टिमेटिंग द साइज लेते हैं, राइट? सो आई होप लर्नर्स ये टॉपिक जो है वो आपकी काफी हेल्प करेगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. कई बार पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट? तो अभी ये टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है, इसमें एक दो और वीडियोस लगेंगे. आने वाले वीडियोस को अगर आप अच्छी तरह से सारे कंटिन्यूटी में देखोगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा. आई विल वेट फॉर योर फीडबैक कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है, तो आप अपने फीडबैक के थ्रू बता सकते हो. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर योर टाइम.